तो भैया जी अभी हम लोग हैं भावनगर वाले हाईवे के ऊपर और सुबह में ही मेरे को पोपट भाई ने और प्रतीक भाई ने ऐसे शेल्टर पर से उठा लिया है कि चलो भाई निकलते हैं, जाना है, थोड़ा बहुत काम है तो वो निपटा के वापिस आते हैं। तो फिर मैं सोच रहा था कि जाऊँ कि ना जाऊँ, पर फिर मेरे को ऐसा हुआ चलो हो ही आता हूँ। तो वैसे भी क्या है, 2 दिन का छुट्टी है कॉलेज के अंदर क्योंकि वो रीडिंग वीडिंग का है और फिर थर्सडे को शायद लेक्चर्स और वो सब अरेंज होंगे हमारे, तो उसी के सिलसिले में अभी हम लोग जा रहे हैं। पहले शायद डायरेक्ट जाने वाले आश्रम पर, भावनगर में कुछ काम है वोट बाई को, तो वो पहले ख़त्म करेंगे, फिर वहाँ से सीधा निकलेंगे आश्रम के लिए। फिर वहाँ पर जाके क्या क्या काम होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए पूरे ब्लॉक के अंदर और देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं। अभी तो फिलहाल है हाईवे के ऊपर और यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर अभी बाकी है भावनगर, और अभी हम लोग निकले थे 12 बजे को और अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। देखो इधर से मैं देख के बता रहा हूँ आप लोगों को, 2:30 बज रहे हैं। अभी पहुँचते हैं पहले फटाफट भावनगर, फिर वहाँ से सीधा निकलते हैं आश्रम के। दबाओ तो पहले, गर्मी था इस गर्मी हो रहा है क्या पोपट भाई? बहुत। और ये देखो प्रतीक भाई, देखो सीन लेते हुए इतने अच्छे थे ना कि मैं बात ही नहीं कर सकता। ये वाले बारिश तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं, भावनगर में ही है, मतलब जो मीटिंग का था सारा काम का पोपट भाई का वो अभी हो चुका है। क्या पोपट भाई कम्प्लीट, 1 साल के बाद कुछ धमाका होने वाला है। धमाका होने वाला है ना, धमाका कीजिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं पोपट भाई के लिए कंटेनर लेने के लिए, है ना पोपट भाई? ये रिवील करना है कि नहीं करना है? ऑफिस लेने जा रहे कंटेनर, ऑफिस वही कंटेनर ना यार, क्या बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आश्रम के लिए एक ऑफिस लेने के लिए, वो डायरेक्ट नहीं ऑफिस मिलती है, आप लोगों ने शायद देखी होगी बहुत सारी जगहों पर, तो वाली डायरेक्ट ऑफिस लेने के लिए जा रहे हैं। तो आपको वहीं पे जाके थोड़ा बहुत बता, क्योंकि क्या अभी ड्राइविंग करना है, किधर ठोक वोक दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और एक करता बे थसे, गुजराती में हम लोग ऐसा बोलते हैं, एक करता बे थसे। तो अभी पहले ध्यान देते हैं ड्राइविंग पे, या गए खूबा सर्कल। अभी प्रतीक भाई पूछ रहे हैं अगर फैक्ट्री मिल नहीं रहा है कंटेनर का, फैक्ट्री से सीधा कंटेनर उठाने का है। क्या प्रतीक भाई मिलेगा कि नहीं आज के? अरे वो एक हमारे सामने से ही है यार, बट वो दोलिया वाला ना, मैं आपको बता रहा था यार। वो नहीं बंदर रोड, वो उधर ना, हाँ उधर भी था एक फैक्ट्री। तो अब गाम में बिजी नहीं के हमने, अभी देखो प्रतीक भाई कुछ जुगाड़ लगा रहे अपना। अभी बज रहे है यही कोई 4:30-5 बजने को आ गए है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। प्रतीक भाई अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं, पोपट भाई देखो अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। और देखो उधर फैन मिल गया है पोपट भाई के, तो पूछ रहे थे पानी का, देखो फैन ऐसा ऐसा। अभी हम लोग खड़े हुए हैं बुधेल गांव के अंदर, भावनगर से एकदम नज़दीक होता है, पीछे वाला रास्ता लेके इधर अभी अभी पहुँचे और अभी आगे चलते हैं। देखते रहिए पूरा का पूरा ब्लॉग क्या होता है क्या नहीं। क्या बने નારી ચોકડી થી આગળ તમે અહીંયા આગળ આવી ગયા, એ તો ઓલી બંદર રોડ છે, એક જ મોટા મોટી આપણે નહીં મોટું થાય છે, તમે નારી જવું પડે, આગળ જાઓ એટલે વર્તે જાઓ છો, તમારે લેવું હોય તો ત્યાં જવું પડશે, મોડિફાઈડ બધા હોય છે બનાવીને જ આપશે, તો દોસ્તો અભી અભી પતા ચલા કે કન્ટેનર હમે લેના થા નારી ચોકડી કે પાસ ઓર હમ લોગ આ ગયે હે બહોત હી આગે। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कि बहुत ही आगे निकल गए हैं
तो वापिस जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अभी देखते हैं बीच में किधर मिलता है कंटेनर तो लेंगे, वरना फिर शायद सीधा ही पहुंचते हैं पहले आश्रम की ओर, क्योंकि अभी लेट हो रहा है, 5 बज गए हैं। और प्रतीक भाई वो देखो सब पीछे से ना, अब ये चढ़ा दूं क्या ऊपर? पहुंच गए हैं मीना होटल पर, और यहाँ पर ही सामने वो जमीन है, उधर ही अपना पूरा ब्लॉक वॉक हुआ था। और देखो गाड़ी वाड़ी अभी लगा दी है, गाड़ी फेक से मैंने ही चलाया था पूरा का पूरा गाड़ी, अभी मैं खींच के लेकर आया हूँ। अभी आगे क्या क्या प्लानिंग होता है वो देखते हैं। फिलहाल तो पहुँच गए हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया एकदम शांति से मज़ा आ गया। भावनगर में रुके हुए थे, थोड़ा बहुत काम था तो फिर वहाँ से सीधा निकल गए थे। देखिए वो सामने जो आपको जमीन दिख रही है ना, वो वाला पूरा है एरिया। अभी मिलता है थोड़ी देर के अंदर, थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, क्योंकि क्या अभी अभी सीधा यहाँ पर ही रुके हैं, बाकी बीच में तो इतना कोई बड़ा कोई गैप लिया नहीं था। ठीक है चलो मिलते हैं। अभी इधर तो देखो, अभी इधर हम लोग बैठे हुए, देखो ये रहे पोपट भाई, ये रहे अपने प्रतीक भाई। प्रतीक भाई आप क्या प्लान है? अभी भाई का वेट कर रहे हैं। हाँ वो आएंगे। हाँ अभी तक इधर बैठे मजा आ रहा है, नर्मदा की मेन लाइन जो बोलते ना वो है। अच्छा हमारे जमीन में से निकलती है। हाँ हाँ भाई आ रहे हैं, उसका वेट करते हैं। हाँ और बाद में आके मैं सोचते हैं। सोचते हैं ऐसा? ठीक है चलो। ये मेरा हिंदी पता नहीं, दूसरों के फोन में इतना कच्चा हो जाता है ना, मैं ब्लॉग करता हूँ इतना अच्छा हिंदी निकलता है। ये मेरे साथ हमेशा होता है, ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है। बट मैं मान लो खुद का ब्लॉग कर रहा हूँ ना, मेरा हिंदी एकदम परफेक्ट निकलता है, बट मेरे सामने अगर कोई कैमरा ला के रखते ना, वो अभी तक वो कैमरा वाला फियर गया नहीं है मेरा, बट वो भी चला जाएगा एक समय आने तक। अभी तक देखो अभी बैठे हैं, मज़ा आ रहा है। इसमें से वो क्या बोलते हैं पड़घा को, क्या बोलते हैं वो, इको 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 हेलो, आ रहा है चेक। तो मस्ती मजा कर रहे हैं हम सब मिल के, आप देखिए आगे चलिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं मीना होटल पर, और ये देखिए प्रतीक भाई अपना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं मस्त चाय पीते पीते, क्योंकि क्या था मेरे में दिक्कत वाला थोड़ा काम हो गया था, क्योंकि लैपटॉप था तो लैपटॉप गाड़ी में भी चार्ज नहीं कर सकते, वरना मैंने सोचा था कि गाड़ी में पीछे बैठे बैठे ही एक ब्लॉग एडिट कर डालूं जो आज रात को आ जाएगा। पर थोड़ा दिक्कत वाला था, तो फिर मैंने प्रतीक भाई को बोला कि यार मेरे को एक एडिट करके दो यार, एक ब्लॉग एडिट करके दो, वरना फिर आज मेरा ब्लॉग नहीं जा पाएगा। तो बस अभी तो यही कामकाज चल रहा है। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो अपने प्रतीक भाई, देखिए खान सर के वीडियोस देख रहे हैं, पोपट भाई भी चिल मार रहे हैं, बढ़िया मैच चल रहा है। और इसी के साथ ये वाला लोग यहाँ पर एंड करते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं महुआ में, और कल फिर वापस जाएंगे आश्रम के काम के लिए। तो यही सब आज तो पूरे दिन ट्रैवलिंग में ही चला गया है, क्योंकि आनंद से यहाँ पर आते आते ही जो आता है बाल में डालने का, उसमें सब्जी बनाई है बढ़िया सी। तो अभी पता चला है कि कब के अपने ये जो भाई हैं वो सब्जी बना रहे थे हमारे लिए, पर वो है ना हेयर ऑयल के अंदर उन्होंने है ना सब्जी बना दिया है, वो फूड ऑयल की जगह पे उन्होंने हेयर ऑयल यूज कर लिया है। तो अब भाई कहाँ पर जा रहे हो? अभी नया लेने जा रहे हो वापिस से? सब अच्छा ऐसा है। हाँ। तो कोई बात नहीं, फटाफट लेके आ जाओ। ठीक है। तो भाई से थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पर, मतलब हेयर ऑयल डाल दिया है फूड ऑयल की जगह पे, और सारी की सारी सब्जी मतलब अभी महक रही है, बिल्कुल ही हेयर ऑयल की खुशबू आ रही है उसमें से। तो कोई बात नहीं, ऐसे भी दिक्कतें होती रहती है, ये तो अचानक से हुआ तो मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी तो फिलहाल तो बहुत ही थक चुके हैं, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया था। और देखो अभी अपने भाई निकल गए हैं, अभी कुछ लेके आएंगे खाने का, क्योंकि कब के वेट कर रहे थे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और उसी के वेट में अभी ये चीज़ हो गई। तो बहुत ही मतलब ऐसे क्या ही बोलूँ मैं अब, पर कोई बात नहीं, अब करते हैं कुछ उसका भी। तो अभी तो बस यहाँ पर ही विदाई लेते हैं, ये वाला व्लॉग यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बिना मत जाना यार, कर दो फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर।